हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है। और आज का टॉपिक है वही जो पढ़ रहे हैं अभी तक, अनुपात और सनुपात का अगला भाग। क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ उसको देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात कितना है? 11:8 दिया है। मिट्टी और बजरी का अनुपात 11:8 दिया है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:8 है। तो मिश्रण में मिट्टी और सीमेंट का अनुपात क्या होगा, इसको सॉल्व करते हैं। मिट्टी बजरी और सीमेंट तीन चीज दिया है। कितना चीज दिया है? तीन चीज, मिट्टी, बजरी और सीमेंट। जो दोनों में जो कॉमन होगा उसको बीच में लिखेंगे, ठीक है। इसमें बजरी कॉमन है, बजरी यहाँ भी है और बजरी यहाँ भी है, दोनों में कॉमन हो रहा है। यहाँ मिट्टी है, यहाँ सीमेंट है, तो कॉमन जो है उसको बीच में लिखेंगे। तो मिट्टी का अनुपात कितना दिया है? 11, और बजरी का अनुपात 8, ठीक है। फिर इसमें बजरी का अनुपात कितना दिया है? 6, तो यहाँ 6 लिखेंगे बजरी के सामने बजरी। और सीमेंट का अनुपात कितना दिया है? 7, ठीक है। इसका इधर खाली है तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, 8 खाली है सीमेंट के सामने तो 8 लिख देंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, ठीक है। 8×7=56 अनुपात। अब इसको गुना करें, ठीक है। 8×6=48, और इसको गुना करेंगे, 11×6=66। इस मिट्टी का हो गया, ये बजरी का हो गया, ये सीमेंट का हो गया। जिसका पूछा उसको लिख लेते हैं, मिट्टी और सीमेंट का पूछा, ठीक है। तो कितना हो गया? 66:56। तो इसका आंसर, ये मिट्टी का 56 कितना हो गया, इसका आंसर लिखेंगे, मिट्टी अनुपात सीमेंट का, तो मिट्टी का कितना हुआ? 66:56। सीमेंट का पूछा तो सीमेंट का कितना हो गया? 56 हो गया। हमारा क्या हुआ, एगो से कट जाएगा, 2×6 और 2×6 और 2×28=56, ये हमारा आंसर हो गया। ये भी होगा, काटेंगे तो इतना जाएगा, दोनों कट जाएगा, ठीक है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन कहता है, एक 84 मीटर लंबी रस्सी को 7:5 के अनुपात में बांटा जाए तो लंबे टुकड़े की लंबाई क्या होगा, इसको सॉल्व करते हैं। कहता 84 मीटर लंबी रस्सी है, 7:5 में क्या करता है, बांटा जाता है, तो लंबे टुकड़े की लंबाई क्या, जो रस्सी के लंबे टुकड़े का उसकी लंबाई ज्ञात करना, ठीक है। इसको क्या करेंगे, x लगा दें, क्या करेंगे, x लगाएंगे, 7×5 इसको जोड़ेंगे, 7×5=12, 12x = इसको लिखेंगे 84, कितना 84, यहाँ से x का वैल्यू निकाल देंगे, 84/12 बरसते 84, x का वैल्यू कितना आया, 7। अब सबसे लंबा क्या है इसका वैल्यू, सबसे लंबा इसमें कौन है, 5 के साथ 7 है वैल्यू इसका, इसको 7x, सबसे 7×x का वैल्यू कितना आया, 7, तो 7 यहाँ गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 67/49, ये हमारा आंसर हो गया। सबसे लंबी टुकड़े की लंबी रस्सी का होगा 49 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोर्ड पर लिखा हुआ क्वेश्चन कहता है, लाल रंग और टोकन के साथ हरा टोकन के साथ अनुपात कितना है? लाल रंग के टोकनों के साथ हरे टोकन का अनुपात 5:12 है, और गुलाबी टोकन का लाल टोकन के साथ कितना है, 7:15 है। तो गुलाबी टोकन, हरे टोकन और गुलाबी टोकन का अनुपात क्या होगा, इसको सॉल्व करते हैं। पहला काम, जो कॉमन उसको बीच में रखेंगे, कॉमन इसमें क्या है, लाल और यहाँ हरा है, फिर क्या है, गुलाबी है और लाल है, तो इसमें लाल क्या हो रहा है, कॉमन है, तो पहले लिखेंगे हरा
लाल और गुलाबी, ये तीन चीज़ दिया है, लाल दिया है, हरा दिया है और गुलाबी दिया है। तो गुलाब हरा और गुलाबी पूछा, हरा और गुलाबी को पूछा, पहले जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। लाल का कितना दिया है, पाँच, तो पाँच यहाँ लिख देंगे, और हरा का कितना दिया है, बारह, तो यहाँ बारह लिख देंगे अनुपात में। और इसमें चलते हैं, इसमें इसमें लाल और हरा हो गया, इसमें गुलाबी और लाल, तो गुलाबी का कितना है, सात है, तो गुलाबी का सात है, और लाल का कितना है, पंद्रह है, तो लाल का कितना दिया है, पंद्रह, लाल का कितना दिया, उल्टा दिया, लाल का दिया है पंद्रह और गुलाबी का दिया है सात, तो गुलाबी का यहाँ लिखेंगे सात, यहाँ नहीं होगा, यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और जो यहाँ दिया नहीं दिया उसको यहाँ लिख लेंगे, पंद्रह और सात नहीं यहाँ दिया तो यहाँ पाँच लिख लेंगे, ठीक है, और गुना कर देंगे, ठीक है। सात पचे पैंतीस, पंद्रह पचे पचहत्तर, अब पंद्रह गुने करेंगे, बारह पंद्रह दूनी तीस के जीरो, हाथ में तीन, पंद्रह कम पंद्रह तीन अट्ठारह, एक सौ अस्सी आ गया, कितना यार, एक सौ अस्सी आ गया। अब किसका पूछा है, हरा का और गुलाबी का, तो हरा का ये हो गया और गुलाबी का पैंतीस हो गया, इसको देखते हैं, तो इसको काटते हैं, ठीक है, ये दोनों का पूछा है तो काट देते हैं, पाँच सत पैंतीस और पाँच से कर देंगे पैंतिया पंद्रह, पाँच छत तीस, कितना अनुपात हो गया, छत्तीस अनुपात सात, इसको लिख देते हैं हरा गुलाबी का, हरा गुलाबी का कितना हो गया, हरा का हो गया छत्तीस अनुपात और गुलाबी का सात, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया, ठीक है। इसमें नहीं दिख रहा छत्तीस, पाँच सत पैंतीस, यहाँ छत्तीस, अब दिख रहा है ना, ठीक है, वो आंसर हो गया है।